हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो यार तुम लोगों का स्वागत है एक और नए माइनक्राफ्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ यार, आज मेरे को मिल चुके हैं डायमंड्स एंड अपन बनाने वाले हैं आज यार एक नेदर पोर्टल एंड एन्चेंटिंग टेबल। तो यार आज के इस वीडियो में तबाही मचने वाली है, तो यार पूरा देखना। और क्या यार, शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम लोग व्यूज़ नहीं आ रहे ऐसे क्या करते हो यार, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। जो भी माइनक्राफ्ट खेलता है सबको शेयर कर दो। एंड दिखा देता हूँ, मैंने ये अपनी माइन बनाई है, देख सकते हो तुम लोग घर से कनेक्ट करके। एंड बूम, देख सकते हो डायमंड चमक रहे हैं तुम्हारे सामने यार। तो मुझे नहीं पता है टोटल कितने अभी अपन निकालेंगे एंड इनको यार करेंगे जो भी यूज होगा, अपना नेदर पोर्टल बनाएंगे एंड एक एन्चेंटिंग टेबल बनाएंगे। क्योंकि यार ये चार दिख रहे हैं, अंदर एक और हुआ तो इजी एन्चेंटिंग टेबल भी बन जाएगी। तो देखो आराम से निकाल लेते हैं एक एक करके। ओके, तो अपने दोनों का जुगाड़ हो चुका है, टोटली छः ब्लॉक तो दिखे और हैं क्या, नहीं छः ही ब्लॉक है। बट कोई बात नहीं गाइस, छः डायमंड मिल चुके हैं, समझ सकते हो तुम लोग गाइस, मतलब अपने फर्स्ट डायमंड थे यार। और मेरे को लिटरली माइन बनाते बनाते ही ये दिख गए, तो कहते खुशी अपरंपार थी। अब यार जल्दी से अपन बना लेते हैं, सबसे पहले एक पिकेक्स एंड लेके आते हैं ऑब्सीडियन बहुत सारा। तो सबसे पहले एक पिकेक्स बनाएंगे अपन एंड हाँ इधर से बना लेंगे, रेसिपीज मिल जाती है तुमको, ऐसे नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। हाँ तो यार पिकेक्स बना लिया अपन ने एंड जल्दी से अपन थोड़ी सी बकेट ले लेते हैं, क्योंकि पानी चाहिए होगा ना नीचे यार। एंड देख लो ये माइन तुम्हें यहाँ से मैंने निकाली एंड यहाँ पर एक डोर लगा देंगे एंड सिंपली बकेट लेके अब जल्दी से पानी ले आते हैं पहले तो बाहर से। एंड आयरन जो देख सकते हो तुम्हें कितना सारा मिल चुका है, मैंने सिर्फ इतनी माइन बनाई इतने में। एंड गोल्ड भी लगा देते हैं एंड कोल के ब्लॉक बना लिया करो यार, तुम्हें बहुत फ़ायदे में रहते हैं ऐसे, मतलब एक ही ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग हो जाती है, तो तुम लोग ब्लॉक बना सकते हो। अब सिंपली यहाँ पर मैं ब्लॉक बांट रहा हूँ। अब यार जल्दी से पानी भर के चलते हैं माइनिंग के, जल्दी से ऑब्सीडियन निकाल के लाते हैं। तो मैं दो बकेट वाटर ले लेता हूँ, क्योंकि यार वहाँ पर लावा है और हमें लावा से बच के रहना है। हाँ तो यार मैं जल्दी से ऑब्सीडियन माइन करके फिर आप लोगों को मिलता है यार थोड़ी देर में ही। हाँ तो यार मैंने टोटल 22 ऑब्सीडियन माइन कर लिए हैं, तो बहुत होंगे यार इतने। अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, पहले इस पानी को निकालो एंड देन चलते हैं यहाँ से। तो यार ये माइन एक केव से कनेक्ट है, मतलब टोटली अंडरमैन। तू क्या कर रहा है भाई, एक मिनट इसे निपटाते हैं, अंडर पर्ल मिल जाएगी अपन को इजी। वैसे तुम लोग स्वॉर्ड की हेल्थ देख सकते हो, मेरी स्वॉर्ड ख़त्म है ऑलमोस्ट भाई साहब, फाइनली मार दिया। और भाई साहब एंडर पर्ल मिल गई है, चलो यानी कि एक एंडर पर्ल का जुगाड़ भी हो चुका है एंड साथ में ऑब्सीडियन भी मिल गए। तो अब जल्दी से एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं यार। और यार डिज़ाइन मेरे माइंड में मैंने सोच के रखा है, तो देखना तुम लोग जैसे बन जाएगा, शायद तुमने थंबनेल में तो देख लिया होगा यार फिर भी। अब यार इस तरह सीढ़ियों वाला डिज़ाइन बनाया मैंने, बाकी देखते हैं अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं इसे रीडिज़ाइन करूँगा, मतलब निकाल के वापस लगाऊँगा। जल्दी से लगा देते हैं। एंड हाँ डर्ट लगाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऑब्सीडियन ज्यादा नहीं है। ठीक है, यार कुछ खास नहीं लग रहा है ना लुक में। अरे भाई साहब मैंने तीन तीन ब्लॉक क्यों बनाए, एक मिनट। तो यार अपने पास स्टेयर्स ख़त्म हो चुकी है, तो जल्दी से पहले फेंस लगा देते, उसके बाद स्टेयर्स भी ले आएंगे और वो भी लगा देंगे। तो जल्दी से फेंस लगा देता हूँ मैं यार। एंड फाइनली डन गाइस, तो बताना ज़रूर कैसा लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। पहले यहाँ पर कुछ टॉर्चेस लगा देते हैं लाइट अप करने के लिए एंड ये स्टेयर्स भी लगा देते हैं बची हुई। अब इसे लाइट अप करते हैं एंड बताओ यार कैसा लग रहा है, बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने ऊपर से डर्ट निकाल दिए, वहाँ पर भी ऑब्सीडियन लगा दिए हैं, ठीक है ना। एंड यार अब जाके देखते हैं कि नेदर में हमें कौन सी जगह मिली है, कैसा है हमारा स्पॉन लोकेशन नेदर का। जल्दी से खुलता भाई, और भाई साहब का सही देख सकते हो तुम लोग, फॉरेस्ट का नाम मुझे नहीं पता है बट
जो भी यार फॉरेस्ट में आए, ये फॉरेस्ट रेयर होता है वैसे, थोड़ा सा कुछ खास भी नहीं बट रेयर होता है यार, तो अपन फॉरेस्ट में आए बहुत अच्छी बात है यार। इसी के साथ मतलब स्पॉन लोकेशन कुल मिला के बहुत ही अच्छी है यार अपनी नेदर में, और कुछ नहीं। अब जल्दी से वापस चलते क्योंकि यार अभी अपन को एंजाइटिक टेबल भी बनानी है एंड वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है ना भाई। क्या ग्लिच था ये, अब गाइस अगर आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है तो इग्नोर मारना यार, बैकग्राउंड से थोड़ा समझ सकते हो ना भाई। जल्दी से एंचेंटिंग टेबल बना लेते अपन। भाई मेरे बुक ला के रखी थी यार विलेज से, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल, हाँ मिल गई। चलो जल्दी से बना लेते अपना एंचेंटिंग टेबल। वुड चाहिए होगा ना साथ में, लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी उसकी, तो मेरे पास थोड़ी सी बुक्स पड़ी हैं तो उसकी लाइब्रेरी भी बना लेंगे साथ में। भाई जल्दी से प्लैंक बनाओ एंड देन बनाओ एक एंचेंटिंग टेबल, साथ में थोड़ी सी लाइब्रेरी भी बना लेते हैं बिकॉज ज़रूरत है अपन को बुक शेल्फ। हाँ मैं भूल गया था, माफ़ करना। एंड गाइस अब चलो जल्दी से इसे लगाते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे। भाई ये बेड हट जा, तू तुझे कहीं और लगा दूंगा मैं, एंचेंटिंग टेबल लगा दो मुझे। नहीं यार थोड़ी गलत लग गई है, एक ब्लॉक की मतलब बीच में स्पेस हो तभी काम करती है बुक शेल्फ, तो उसके लिए मुझे आगे खिसकाना पड़ा इसे थोड़ा। बाकी एक ब्लॉक का स्पेस होना चाहिए वरना बुक शेल्फ काम नहीं करती है। लग चुकी हैं अपने, देख लेते हैं गाइस 12 लेवल आ रहा है, कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो तक मैं इसे मैक्स कर दूंगा यार, तब तक तुम लोग वेट करो यार थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक मैं इसे मैक्स कर दूंगा। अब यार मैं तुम्हें अपना काउ फार्म भी दिखा देता हूँ, अच्छा काम कर रहा है यार। मतलब पहले भी मैंने मतलब आए थे यार थोड़े बहुत लेदर मिले थे लगभग 6 के आसपास, तो बाकी जल गए थे लावा में। एंड ये क्या भाई, ओ भाई कसम से यार ये क्रीपर ना कतई गुस्सा दिलाता है, मन करता है कभी कभी इन क्रीपर का खानदान खत्म कर दे यार कसम से। भाई क्या क्यों भाई क्यों बनाया माइनक्राफ्ट ने इसे, क्या सोच के बनाया इसने पूरा भाई, सब सत्यानाश कर दिया मेरे फार्म का इसने। हाँ तो यार तुम्हें क्या है नेदर की फेंसेस थोड़ी अनइवन नहीं लग रही, मतलब उस साइड पे सीढ़ियों को टच करके ये वाली फेंस यार, तो शायद मैंने इसे अनइवन बना दिया है। जल्दी से इसे ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं जल्दी से भाई साहब इसे फेंस लगा देते हैं इधर। भाई लग जा कसम, और भाई ये ठीक हो चुकी है, जल्दी से थोड़ी सी लाइट लगा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्रीपर नहीं चाहिए, ठीक है ना। एंड हाँ मैंने अपना फार्म भी ठीक कर दिया, देख सकते हो तुम लोग, तो एकदम चकाचक कर दिया मैंने फिर से फार्म को। अरे यहाँ पर कुछ तो कमी है यार, क्या कमी है इधर, कुछ बाकी रह गया। अरे भाई साहब लेडर्स तो लगाई नहीं इधर मैंने, भाई लेडर्स लगानी है भाई, क्या प्लैंक निकल रही है मेरे से। ठीक है भाई लेडर्स लगी, अब ठीक हो गया एकदम चकाचक बोले तो। हाँ तो और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को आज की वाली ये वीडियो पसंद आई होगी यार, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड में शेयर मार देना यार वीडियो को, ताकि व्यूज आए थोड़े से, पबजी पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है यार, तो माइनक्राफ्ट लवर्स कहाँ छुप गए तुम लोग। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग।